नमस्कार, मैं नीरज यादव, आप देख रहे हैं स्टेट मीडिया न्यूज। आइए देखें उत्तर प्रदेश की आज की खास खबरें। भारत के पीएम मोदी ने आज देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन गुजरात की राजधानी गांधीनगर से अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा होते हुए मुंबई जाएगी। यूं तो देश में दो वंदे भारत ट्रेन पहले से चल रही है, लेकिन तीसरी वंदे भारत ट्रेन की खासियत कुछ अलग ही है। दरअसल हम आपको बता दें कि नई वंदे भारत एक्सप्रेस को कई हाईटेक तकनीक से लैस किया गया है। इनमें आपको सफर करने पर थकान बिल्कुल भी नहीं होगी। वहीं इसकी सीटों को आरामदायक बनाने के साथ साथ इनमें पावर बैकअप की भी व्यवस्था की गई है। योगी सरकार का काला डब्बा, गाजीपुर स्वास्थ्य विभाग। मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है एनएम उर्मिला देवी। भीतरी सैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रहते हैं सरकारी कर्मचारी रूपी दानव। ना समय पर टीका लगता है, ना ही समय पर वहाँ कोई कर्मचारी मिलता है। लापरवाह कर्मचारियों ने सारी हदें की पार। किसी बच्चे को एक टीका लगा तो किसी को टीका लगा ही नहीं। वहीं गांव और परिवार वाले तंग आ गए ऐसे कर्मचारियों से। देखिए स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। गाजीपुर से नीरज यादव की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है। सुरक्षा चक्र टूटे ना, कोई बच्चा छूटे ना, यह अभियान सरकार द्वारा मासूम बच्चों के हिफाजत हेतु चलाया जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत एक घोर लापरवाही मामला देवकली ब्लॉक के भीतरी सैदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आ रहा है। वही हम आपको बता दें कि वहाँ के अंतर्गत रहने वाले एक परिवार की मासूम बच्ची को तो निर्धारित देर से पहला ही टीका लगा। अब काफी समय बीत जाने के बाद अगला टीका नहीं लगा। वहीं परिवार वालों ने तय समय के भीतर कई बार फोन कर जिम्मेदार लोगों को सूचना दी, लेकिन न ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आई, न ही एनएम उर्मिला देवी ने स्वास्थ्य केंद्र बुलाकर टीका लगवाया। तय समय बीत जाने के बाद जब बच्ची के पिता ने एनएम उर्मिला देवी से नाराजगी जाहिर की तो वह बच्ची के पिता पर भड़क गई और बोली कि मेरे घर में टीका नहीं है, जब आएगा तब लगेगा, एवं टीके संबंधी जानकारी से इनकार कर दिया। बच्ची के पिता से अभद्र तरीके से की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग आपको सुना रहे हैं। वहीं स्टेट मीडिया से बातचीत में एनएम उर्मिला देवी ने कहा कि हमारी ड्यूटी हफ्ते में दो दिन है, बुधवार और शनिवार। हम लोग इसके अलावा किसी दिन का कोई जवाब देने के जिम्मेदार नहीं है। टीका जब सरकार देगी तब लगाया जाएगा। पिछले एक महीने में टीका नहीं मिला है, अब यह सरकार की जिम्मेदारी है। वह समय से टीका भिजवाए, हम अपने घर से थोड़ी लगा देंगे। अधिक जानकारी के लिए ब्लॉक पर जाकर संपर्क करें, यही हमने कहा। वहीं गाजीपुर स्टेट मीडिया टीम सीएमओ गाजीपुर से पूछती है, कौन है जिम्मेदार, आपकी योगी सरकार? देखें ये रिपोर्ट। हेलो हेलो, उर्मिला जी बोल रही हैं? हाँ मैडम, ये आपने टीका लगाया था कुछ दिन पहले सैदपुर भीतरी महतवाना में, और एक टीका आपने जो छोड़ रखा था, तो वो कब तक लगेगा बच्चे को? जब आएगा तब बताया जाएगा, अभी कोई खबर नहीं है उसके। तो इस तरीके से डिले अगर होगा तो फिर वो कैसे बच्चा, तो मतलब ठीक तो नहीं ना रहेगा वो? हमारे घर का टीका है। हाँ। आपके घर का टीका नहीं है? नहीं, मेरे घर का तो नहीं, क्यों लगाएंगे, जब सरकार देगी तब ना लगेगा। तो सरकार आपको नहीं दे रही है टीका? जी नहीं, ब्लॉक पर जाकर पता कर लीजिए। आपका आपका नाम उर्मिला है, क्या पोस्ट है आपकी? क्या क्या पोस्ट है आपकी? पोस्ट से क्या मतलब है? अरे पोस्ट आप बताइए ना, तो फिर हम पता करते हैं ना। ब्लॉक पर जाकर पता कर लीजिए कि टीका है कि नहीं है। ठीक है, नहीं आप आपकी पोस्टिंग क्या है? पोस्टिंग मेरे को जानना है, पोस्टिंग बताइए। कोई मतलब नहीं, ठीक है, दवा नहीं है तो नहीं है, और दवा लगाना तो ब्लॉक पर करे जाइए। ठीक है, चलिए ठीक है, बताते हैं आपको। खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहां ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में प्रशासन ने अतिक्रमण पर शुक्रवार को भारी विरोध के बावजूद भी बुलडोजर चला दिया है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने इस बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बताया था। वही हम आपको बता दें कि उनका घर भी अठहटी ने नहीं छोड़ा। अनु त्यागी के घर के बाहर दोबारा लगे पेड़ को भी अठहटी ने उखड़वा दिया है। वही हम आपको बता दें कि अनु त्यागी और श्रीकांत त्यागी की मां पेड़ से चिपक कर खड़ी रही, इसके बावजूद अठहटी ने एक्शन ले लिया। नोएडा से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश, देखें ये रिपोर्ट।
वही कहूँगी कि मैं पहले भी इस पेपर में बिल्कुल तो बस तोड़ रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग उस पेपर में थे वो जब क्योंकि जब उन लोगों को लगा, जब उन लोगों आपके खिलाफ पूरी सोसाइटी थी उस वक्त, आज उन लोगों ने खुद कहा है कि मेरा भी लीगल था उनका भी लीगल है, जो बात मैं पहले से कहती आ रही थी आज वो बात उन लोगों ने खुद कही है, वो लोग उसको क्यों पढ़िए। मैम आपके खिलाफ खड़ी की पूरी सोसाइटी उस वक्त आपके खिलाफ बयान दिया, आज कैसे पूरी सोसाइटी, कौन लोग थे मैम, कौन लोग थे, आज बाकी के लोगों की घर तोड़े जा रहे हैं तो कहाँ से ऊपर के लोग आ रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि राजनीतिक बनाकर मेरे मुद्दे को मेरा घर तोड़ा गया और बाकी के लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, पता नहीं कितने निर्दयी लोग होते हैं कि जो लोग पेड़ और घर तोड़ देते हैं इलीगल के लिए, क्या क्या शेड कवर करना, अपना घर कवर करना के इलीगल। देश में फिर होगा बड़ा आंदोलन, राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, एमएसपी के सवाल पर, वही फसलों के रेट के सवाल पर, और जो लूट मची है इस सवाल पर। उन्होंने कहा कि देश में जमीन की लूट मची है, लखनऊ के एयरपोर्ट की पूरी जमीन अडानी को फ्री में दे दी है, वही भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि यह लोग इलेक्शन में बेईमानी से जीतने का काम करते हैं। यहाँ के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटें बेईमानी से जिताई। टिकैत ने आगे कहा कि 30,000 से जीते कैंडिडेट को हरा दिया गया और हारे हुए कैंडिडेट को जिताकर सर्टिफिकेट दे दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। आपके हिसाब से सही हुआ है? अगर कोई गलत काम कर रहा हो तो सही हुआ होगा, अगर पक्षपात से कर रहा होगा तो गलत चीज़ है। सर राहुल गांधी की यात्रा पर क्या कहना है आपको, जो पैदल यात्रा होती है? और पैदल यात्रा करनी चाहिए, पहले से शुरू कर देते, इन्हें सारे विपक्ष को निकट जाना चाहिए सड़कों पे, नहीं तो सारे बंद होंगे सबके, ये आंदोलन पर पैन लगाओगे आने वाले टाइम पे, पोलिटिकल पार्टियों पर लगाएंगे, इनको पैसे से कमजोर करेंगे पूरा, और देश में एक ही पार्टी का राज ये चाहते हैं कि रहे, विपक्ष को खत्म करेंगे, इलेक्शन में बेईमानी से जीतने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें बेईमानी से जीता है यहाँ के अधिकारियों ने, ये बात तो अगले भी कही है कि बेईमानी हुई है चुनाव में, क्यों कहते हैं तो सबने कही। आपका धरना कब चालू होगा? वहाँ पर क्या क्या होगा, जो 30,000 से जीते हुए कैंडिडेट थे उनको हरा दिया और आ रहे हो को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। समाजवादी पार्टी पर रोक लगाई है कि विधानसभा इलाके में पैदल नहीं चल पाएंगे? चलो हमें नहीं पता भाई, हमें कुछ नहीं पता, हम तो पॉलिटिकल आदमी है नहीं, हम तो अपना किसान संगठन चला रहे, किसान संगठन चलता रहेगा देश में, देश को किसान ही बचा सकता है। सर चीनी मिल स्टार्ट होने से पहले अगर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता तो क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे, आंदोलन ही है, मुख्यमंत्री ने कह रहा है कि आगे भुगतान हो जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपका जो आंदोलन दिल्ली में होना है उसको, दिल्ली में नहीं, अब आंदोलन कहाँ और कैसे होंगे, एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, एमएसपी के सवाल पे होगा, फसलों के रेट के सवाल पे होगा, ये जो जमीनों की लूट मच रही है इसके सवाल पे होगा, जैसे लखनऊ का एयरपोर्ट है पूरी जमीन फ्री में अडानी को दे दी, धान पर एमएसपी लागू करने जा रही सरकार? नहीं कर रही, एमएसपी तो लागू है, कानून उस पर बने। कलयुगी राम ने नर्तकियों संग भोजपुरी गाने पर लगाए ठुमके। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां नवरात्रि के महीने में चल रहे रामलीला कार्यक्रम में भोजपुरी गाने पर राम का रोल अदा कर रहे युवक राम ने नर्तकियों संग भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि स्टेट मीडिया नहीं कर रही। वहीं मिली जानकारी के अनुसार, हम आपको बता दें कि यह वीडियो गाजीपुर जनपद के भरसण थाना क्षेत्र के दुर्गा पूजा समिति द्वारा कराए जा रहे रामलीला कार्यक्रम का बताया जा रहा है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जन चर्चाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील भोजपुरी गाने पर राम के ठुमके पर आपसी विरोध किया गया। वहीं हम आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के द्वारा कहते सुना गया कि किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी अश्लील वीडियो पर ठुमके लगाना अपराध के कृत्य में है, ऐसे लोगों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए। गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। खबर यूपी के चंदौली से, जहां जिला मुख्यालय पर स्वच्छता ग्राहियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन शुक्रवार को किया। कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान को प्रभावी बनाने वाले अब भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। वहीं नाराज छात्रों ने धरना देकर अफसरों पर निकाली भड़ास। उन्होंने बोला कि 2017 से नहीं मिला मानदेय, डीपीआरओ प्रशासन के आदेश पर फैसला नहीं लेने का लगाया बड़ा आरोप। जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर स्वच्छता ग्राही बोले कि अगर मांगे पूरी नहीं होने पर डीएम कार्यालय में
अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। चंदौली से अमित कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पूनम चौहान। धरना दे रही है, क्या मांगे हैं आप लोगों से? सर, हम लोग स्वच्छाग्रही में काम कर रहे थे। हम लोग कितने दिनों से लगे हुए हैं, हम लोग को साल बीत गया, ये एक प्रधानी खत्म होने के बाद दूसरी प्रधानी शुरू हो गई, मगर न अभी तक हम लोग को मानदेय पूरा मिला और न तो हम लोग को कोई निश्चित काम देने के लिए बोले थे, न वो काम मिला। जबकि नियुक्ति पेपर आ जा रहा है और ये लोग दाब दे रहे हैं, पूरे अधिकारी ऊपर से ब्लॉक से लेके जिले से लेके सारे लोग हम लोग के, न हम लोग को कोई सूचना देते हैं, न तो हम लोग को कोई काम देते हैं और न तो हम लोग का मानदेय दिए और काम पूरा कराएं। उस समय हम लोग दौड़ दौड़ के ये गांव से वो गांव, वो गांव से वो गांव, सुबह 5 बजे से उठ के भोर में से सुबह 10 बजे तक, फिर 5 बजे शाम से लेके रात के 8 बजे तक हम लोग से पूरा काम लिए हैं, फिर भी अभी तक हम लोग को मानदेय नहीं दिए। मेरा नाम जयकृष्ण कुमार है, मैं स्वच्छताग्रही संघ जिला अध्यक्ष चंदौली। जिलाधिकारी से आप लोगों ने मिले? जी सर, हम लोग जिलाधिकारी से अभी मिल करके आए हैं। क्या प्रमुख मांगे रहे हैं? सर, हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हम लोग 2017 से कार्य कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का एक कार्यक्रम था, जो इसमें हम लोग मिशन में हम लोग काम किए हैं। हम लोगों की प्रमुख मांगे यही हैं कि हम लोगों को नियमित कार्य और निश्चित वेतन दिया जाए। उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि हम जल्द से जल्द इस पे अधिकारियों से बात करते हैं और आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया? इससे पहले हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन किए, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। और इसके बाद हम लोग शासन को ये बताना चाह रहे हैं और अधिकारियों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी ये लापरवाही हो रही है, इसके लिए अगर हम लोगों की इस बार अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम लोग प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ इको गार्डन में हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने जा रहे हैं, जो कि पिछले साल 22 दिन जो हमारा धरना चला, आश्वासन पे हम लोग धरने से उठे हैं। अब बैठेंगे तो हम लोग, जब तक हम लोगों को लिखित कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। ये हमारी जो है कि अल्टीमेटम है सरकार को। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चिरई गाँव विकास खंड के मुस्तफाबाद ग्राम सभा में स्थित प्राथमिक विद्यालय द्वितीय में कक्षा 4 और कक्षा 5 में पढ़ने वाले दलित बच्चों से शौचालय साफ कराने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक सफाई अभियान के नाम पर दलित बच्चों से शौचालय साफ कराया। वहीं इसकी जानकारी जब बच्चों के अभिभावकों को हुई तो वहीं प्रधानाध्यापक से पूछ बैठे। इतने में प्रधानाध्यापक देवेंद्र कुमार बच्चों के अभिभावकों पर उखड़ गए और अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए उनका मजाक उड़ाया। वहीं कहने लगे कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, ऊपर से आदेश आया था साफ सफाई कराने का, तुम लोग बदतमीज हो, साफ सफाई बच्चों से नहीं करानी है तो उसका नाम कॉन्वेंट स्कूल में लिखवाना चाहिए था, हमको किसी का डर नहीं है, क्या औकात है तुम लोगों की, सरकार मुफ्त राशन दे रही है उसी से पेट भर रहे हो, जाओ FIR करना है तो कर दो, देखते हैं कौन पुलिस वाला हमारे पास आता है, तुम्हारे लड़के शौचालय में जाएंगे तो सफाई कौन करेगा। वहीं जब अभिभावकों ने FIR कराने की बात कही तो टीचर ने कहा कि पहले खाने पीने का इंतजाम करो फिर FIR करने जाना, हमारा रुआ भी कोई नहीं उखाड़ पाएगा। वाराणसी से सुनील यादव की रिपोर्ट। देखे ये रिपोर्ट। आपको बोला हो? आयुष बच्चन। पिता का नाम? डब्लू। गांव का नाम? मुस्तफाबाद। कैम पढ़ल है? 5वीं। विद्यालय का नाम? प्राथमिक विद्यालय जीती। कौन गाँव? मुस्तफाबाद। तो आज का भल तोरे साथ स्कूल गल रहा? हाँ। का भल फेकान सर जी साफ करवात रहे? हाँ। फेकाना सर जी साफ करवात रहे? का लाइटरिंग? हाँ। तो से? हाँ। कैम पढ़ा ला? 5वीं। 5वीं पढ़ा ला? हाँ। तो से के लाइटरिंग साफ करवात ला? बड़े सर जी। का नाम है? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार सफाई कर्मी आओ ना कि ना? नहीं। सफाई कर्मी ना आओ तो तू लोन पढ़े जाला तो से लाइटिंग साफ करावा ना? हाँ। आज लाइटिंग साफ करो ना तो से? हाँ। अच्छा, का नाम तो है? संदीप। गांव का नाम है? छब्बू। गांव का नाम है? मुस्तफाबाद वाराणसी। कहाँ पढ़ा? 4 में। का नाम है विद्यालय का? प्राथमिक विद्यालय दूती। आज स्कूल गल्ला है? हाँ। कैम पढ़ा ला? 4 में। आज का मास्टर सोचते का पैखाना साफ करना? तो पैखाना सफाई कर्मी ना हुआ? नहीं। तो ही लोग से साफ करावा ना? हाँ। हमेशा? हाँ। का नाम है मास्टर का?
देवेंद्र कुमार। अच्छा, तू लोग मना कर ला कि नहीं हम साफ न कर तब मना कर तबो साफ करा ना। का कहन? कहना कि साफ करो ना तो मारूंगा। अच्छा, का कहना कि साफ करो ना तो मारूंगा। हां, कहता ना कि हम पढ़े बदे आले कि खाना साफ करा बदे काल तबो कहना। का कहना कि नहीं पैखाना साफ करे। हां अच्छा, तो आज स्कूल गल्ला है? हां। क्या अध्यापक हूँ तोरे विद्यालय? छठे। चलो देखिए, इन बच्चों का जो जो है मुस्तफाबाद प्राथमिक विद्यालय। खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है। हरदोई के बिलग्राम सीएससी में लैब टेक्नीशियन नहीं मानता डॉक्टरों का कहना, मरीजों का करवाता है बाहर से एक्सरे, लेता है कमीशन। खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है। यूपी में स्वास्थ्य महकमे में अजीबो गरीब कारनामे देखने को मिलते रहते हैं, तो वहीं हरदोई के बिलग्राम में सीएससी में डॉक्टर अमित यादव के द्वारा सरकारी पर्चे पर एक्सरे लिखा गया और वार्ड में बैठे टेक्नीशियन ने यह कहकर एक्सरे करने से मना कर दिया कि जब तक इस पर्चे पर अधीक्षक नहीं आएंगे तब तक हम एक्सरे नहीं हो सकता। वहीं अब सवाल यह खड़ा होता है कि अलग अलग मरीज होते हैं और अलग अलग डॉक्टर होते हैं, क्या बिलग्राम सीएससी में केवल अधीक्षक ही सारी मरीजों की जाँचें लिखेंगे तब टेक्नीशियन मानेंगे? इस प्रकार के घुसखोर लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और लगातार स्वास्थ्य मंत्री एवं डिप्टी सीएम बीजेश पाठक इस पर मुहिम चलाते हुए कार्रवाई भी करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद लैब टेक्नीशियन के ऊपर जिले के आला कमान के अधिकारियों की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं सूत्रों की माने तो लैब टेक्नीशियन अधिकतर बाहर से जांच करवाता है और यह कहकर लोगों को बाहर करता है कि मशीन खराब है या अन्य कोई बहाना बता देता है। बाहर से एक्सरे जांच करवाने से जांचों में करने में लैब टेक्नीशियन को कमीशन का फायदा मिलता है, जिससे लैब टेक्नीशियन अलग अलग बहाने बनाता रहता है। हरदोई से पवन कुमार की रिपोर्ट।